जिस तरह से टुकड़े करके मारा है वो एक जिहादी कृत्य है, ऐसा बताया। अगर कहीं पर भी कुछ भी हो जाता है तो एक समाज की तरफ मोड़ दिया जाता है, ये जिहादी मानसिकता है। आप जिस तरह से आप बता रहे कि वो समाज के लोग, यानी कि मैं सीधे बात करता हूँ कि मुसलमान समाज के लोग रहते हैं, ऐसा कहने का। अब कई देश विरोधी कामों में हिंदू भी तो मुलव्वस है, तो क्या आप हिंदू समाज को जुर्म मुजरिम कटघर में खड़ा करेंगे? जिहादी ये लफ्ज जो आप बार बार इस्तेमाल करते हैं, इस जुर्म का कोई धर्म नहीं रहता। हाँ, तो जुर्म है, मुजरिम को सजा होनी चाहिए, लेकिन इसको जिहादी प्रवृत्ति ये कहना, स्वामी जी ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जब मामला साफ है तो उसे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। ना आपको पुलिस पर भरोसा नहीं है, जिसको आप एक ही बाजू को पेश करना चाहते हैं कि आप थोड़ी देर पहले तमाम हिंदुओं को रोड पर आने की जरूरत है, ऐसा ऐलान कर रहे थे। आप जुर्म को धर्म के चश्मे से क्यों देखते हैं? लेकिन कातिल भी अगर हिंदू है तो फिर उसे क्या, सियासी मुफात उन्हें, मतलब कांग्रेस हुकूमत है तो चलो कांग्रेस हुकूमत को कटघरे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णा भट्ट साहब, जो VHP के लीडर हैं। यहाँ पर वो जैन मुनि के कत्ल को लेकर एहतजाज करने के लिए आए थे। सर, अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था कि जो स्वामी जी भी कह रहे थे, जिस तरह से टुकड़े करके मारा है वो एक जिहादी कृत्य है, ऐसा बताया है। सर, जो भी इस तरह का कत्ल होता है, जबकि नारायण माड़ी इसमें खुद मुजरिम है और उसने खुद कबूल भी किया है, इसके बावजूद भी इसको जिहादी इस मानसिकता की तरफ मोड़ने की क्या ज़रूरत है? देखिए, ये पीस करने का ये क्यों चालू हुआ उसको सोचना है। कि कौन सा भी धर्म तो अलग है, धर्म यानी क्या होता है, धर्म याने सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसको धर्म बोलते हैं। किसको टुकड़ा टुकड़ा करते हैं इसको धर्म नहीं बोलते हैं। नहीं, अगर नारायण माड़ी करता है तो उसे नहीं मानेंगे क्या? अगर नारायण माड़ी उसको टुकड़े टुकड़े करता है तो उसे नहीं मानेंगे? जब नारायण माड़ी इस जैन मुनि के कत्ल को लेकर उसे पकड़ा गया है और उसी ने कत्ल किया है, ये कबूल भी किया है क्योंकि पुलिस भी बोल रही है, तो फिर आप उसे नहीं मानेंगे क्या? उसको एक अलग मानसिकता की तरफ एक देखिए, ये कौन भी करे ये गलत काम है, हमको ये शक है। ऐसे स्वामी जी एक बने, बहुत स्वामी जी इनको अलग अलग नमूने से ऐसे अमानुष हत्या होता है। ये क्या होता है, दक्ष अधिकारी है पुलिस लोग, इन्होंने उसका तलाश करना चाहिए। हम तो विश्व हिंदू परिषद सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये एक भावना से हम देखते हैं, सभी लोगों को एक ही भावना से हमको देखने का स्वभाव है और यही होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। नहीं नहीं, अक्सर आपने VHP की बात की, खुद VHP के लीडर हैं, तमाम जो पहला समझिए, VHP में सेवक होते हैं, लीडर नहीं बनते। हमारा कार्य सेवा करना। कृष्णा भट्ट तो एक मशहूर नाम है ना सर। नहीं, हमारा काम है लीडर बनने का नहीं, हमारा काम सेवा करने का है। नहीं, कोई बात नहीं। सर, जिस तरह से तमाम जुर्म को, अगर कहीं पर भी कुछ भी हो जाता है तो एक समाज की तरफ मोड़ दिया जाता है, ये जिहादी मानसिकता है, ये कहाँ तक सही है सर? देखिए, किधर किधर ऐसा होता है, वो समाज के लोग रहते हैं ना उसमें, गलत ये हुआ तो सभी समाज के वो बहुत सारे लोग बाहर आके बोलना है ना, हर समाज में। सर, आप मैं आपकी बात काटूंगा सर। आप जिस तरह से आप बता रहे कि वो समाज के लोग, यानी कि मैं सीधे बात करता हूँ कि मुसलमान समाज के लोग रहते हैं, ऐसा कहने का। अब कई देश विरोधी कामों में हिंदू भी तो मुलव्वस है, तो क्या आप हिंदू समाज को जुर्म मुजरिम कटघर में खड़ा करेंगे? कौन भी जुल्म करते हैं, जुल्म करता है उसको तो अंदर डालना ही, उसको शिक्षा देना ही है जी, सवाल ही नहीं है, उसको देना ही। अभी क्योंकि DRDO के जो साइंटिस्ट हैं कुरुलकर, उनके उन्हें पकड़ा गया था, साड़ू के पकड़ा गया, माधुरी गुप्ता, ये पूरी लंबी फहरिस्त है। हाँ। लेकिन एक ही समाज को इस तरह से जिहादी ये लफ्ज जो आप बार बार इस्तेमाल करते हैं, इस पर काम करिए। आपको मैं विद प्रूफ के साथ, रिकॉर्ड के साथ आपको देता हूँ, तब तो आपको मालूम होता है ये क्यों हो रहा है। आप ही सोचिए ना, क्यों हो रहा है सर? हमारे पास भी तो कई सारे प्रूफ्स हैं। तो सर, किधर तो ऐसा दुखी का बात होता है, उसको समझाने के काम करो ना। कौन सा भी धर्म में अगर गलत काम होता है तो उसको क्यों प्रोत्साहन करना है? तो मैं वही बता रहा हूँ सर, आप ये बोल दो कि जो है जुर्म का कोई धर्म नहीं रहता। हाँ, तो जुर्म है, मुजरिम को सजा होनी चाहिए, लेकिन इसको जिहादी प्रवृत्ति ये कहना का, ये टुकड़े टुकड़े करते हैं ना, ये बार बार टुकड़े का पीछे यही होता है ना। अभी देखिए श्रद्धा वालकर का हत्या, तो उसके बाद में कुकर में डाल के जो जलाया, वो हिंदू था सर, उसने उबाला था अपने ना। कभी होता है समाज जिहादी मानसिकता कहना कहाँ तक से? कौन सा जिहादी कौन करते हैं ना, जब आपको बोलने का जरूरत नहीं, रोज पेपर में आ रहे हैं ना, हम तो पेपर देख के करते हैं ना, बोलना पड़ता है ना। तो ये नैरेटिव नहीं चलाया जा रहा, मतलब ये हकीकत है, नैरेटिव नहीं चलाया जा रहा एक समाज के खिलाफ,
नैरेटिव नहीं चलाएगा। देखिए, हम किसका समाज के विरुद्ध नहीं है, हर समाज में आतंकवाद है, आतंकवाद कैसा भी समाज का नहीं रहता है। कौन सा समाज आतंकवादी करते, आतंकवादी को पकड़ने, आतंकवादी को शिक्षा करनी, ये हमारा ही मुद्दा है। चिक्कोड़ी में जैन मुनि स्वामी के कत्ल को लेकर यहाँ पर एहतजाज किया गया, कई सारे हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर शरीक रहे VHP की जानिब से, लिहाजा हमारे साथ आज स्वामी मौजूद हैं। स्वामी जी, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जब मामला साफ है तो उसे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इसमें हिंदू मुस्लिम का सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है, इसके ऊपर ये है कि आज तक का इतिहास है कि आज तक जहाँ जहाँ इस तरह की कतलंदाजी हुई है वह ज़्यादातर हिंदू स्वामियों के ऊपर हुई है। और आज आप देख सकते हो कि एक जैन मुनि के स्वामी, जिनका तत्व ही अहिंसा परमो धर्म है, किसी के ऊपर हिंसा करना उनके तत्व में नहीं आता, खुद भी जियो दूसरों को भी जीने दो, ये तत्व लेके चलने वाले, आज अगर उसके बीच के पैसे के लेन देन से आज इतनी गुंडता से उनके शरीर के 9 टुकड़े करके हत्या की गई हो, तो ये पैसे का लेन देन नहीं हुआ। आपको पुलिस पर भरोसा नहीं है, जिस तरह से उन्होंने तहकीक की और बहुत जल्दी मुजरिमों को गिरफ्तार भी किया, नारायण माली और फिर वो हसन दलाइत नाम जो दो सामने आए हैं, तो आप एक ही बाजू को पेश करना चाहते हैं क्या? देखो, दूसरी बाजू भी हम पेश करेंगे ज़रूर, ऐसा नहीं कि एक बाजू से हम बात करेंगे। देखो, जिनको उन्होंने प्रस्तुत किया है उन्हीं के पास काम करते थे, ये कोई बाहर से आए वो नहीं थे, पहली बार उनसे मिले नहीं थे, ठीक है। बताया ही जा रहा है कि उनको पैसा दिया गया था, मुनि जी ने पैसा वापस मांगने के कारण ये हत्या की गई। देखिए, आज हम जानते हैं कि इंसानियत किस हद तक गुजर चुकी है, ठीक है। एक पैसे के मामले को लेकर एक महान मुनि जो इस देश को, इस बेलगावी जिले को बहुत संख्या में उनके शिष्य हुआ करते थे, क्या सिखाते थे वो कि जीना कैसा है, अपने ऊपर किसी की दुश्मनी करनी है, किसका खून करना है, या पैसे के लेन देन में अगर कुछ हो जाए तो उसका खून कर दो, इस तरह की वागदाली वो नहीं सिखाते थे। वो यह सिखाते थे कि जीना कैसा है, अपने इस संसार जीवन को कैसे जिए, परमात्मा की भक्ति कैसे करे, यही चीज़ सिखा। मैं आपकी बात काटूंगा, मैं बारहा इल्ज़ाम लगाया जाता है, जैसा कि सरल वास्तु के गुरु जी का भी कत्ल किया गया था हुबली में, फिर टुमकुर स्वामी पर भी इल्ज़ाम लगाए गए थे, उससे भी कहीं स्वामियों पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए थे, क्या आप इसे पूरी तरह से गलत साबित करते हैं? देखिए, जब तक सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, और हम साधु संत, क्योंकि एक मुनि की हत्या ये खंडन विषय, उसके लिए साधु संत समाज रास्ते पे जरूर उतरेगा। हमें जो लगता है कि क्यों हो सकता है, जो हम जानते हैं इतिहास में जो होते आया, हमने देखा है और वो सिद्ध भी हो चुका है, ऐसी चीज़ें हैं, तो इस तरह की कृत्रिम हत्या, अगर किसी बात पे कोई कुछ बोल दिया होता, अगर किसी ने कुछ गाली दी होती, इस तरह का न्यूज़ मत हम मानते, मगर एक माधु मुनि की इतने क्रूरता से उनके शरीर को इतने हत्या करना, ये सहज विषय नहीं है, और ये सहसा से एक पैसे के लेन देन से होना असंभव है। हमने अभी आप थोड़ी देर पहले तमाम हिंदुओं को रोड पर आने की जरूरत है ऐसा ऐलान कर रहे थे, तो इसको इस हद तक ले जाने की क्या? देखो, आज हमें लगता है कि जो हिंदू समाज के मुनि हैं वो किस लिए हैं, जब अपने तत्वों को, अपना घर परिवार छोड़ के बस देश धर्म के लिए अपना जीवन व्यक्त कर रहे हैं, किसके लिए आज मठ मंदिर किसके लिए बांधे जा रहे हैं, वो स्वयं नहीं रहते, स्वयं के ऐशो आराम के लिए नहीं, वहाँ पे कई भक्त आते हैं, उनके समाधान किए जाते हैं, जीवन की शैली सिखाई जाती है। आप जुर्म को धर्म के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? देखो, जब धर्म करने, धर्म को सही तरीके से ले जाने वाले इनके मुनियों को अगर हत्या दिया गया आता है तो अधर्म ही है, उसको अधर्म ही कहेंगे, उसको सही नहीं कहेंगे। अगर देखो, जहां हमारी ना, लेकिन कातिल भी अगर हिंदू है तो फिर उसे क्या? देखो, कातिल कोई भी हो, किसी धर्म से हम नहीं जोड़ेंगे, कातिल कोई भी हो वो हिंदू विरोधी होगा, वो भले हिंदू हो या किसी भी पक्ष का हो, किसी भी धर्म का हो, जिसने भी किया है वो भले हमारे धर्म का हो, गलत है हमारे लिए, हम किसी धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे, जो भी करेगा वो गलत रहेगा। किसी भी सरकार से अगर उसका विरोध होगा, अगर साधु संन्यासी पर विरोध हो रहा है जो सबके लिए खुले हैं, सबके लिए अपना घर है, उनका दिल हमेशा सबके लिए खुला है, किसी भी, आज हमारा मठ है, हम किसी जात पात पे नहीं मानते, हमारे मठ पे हर एक समाज आता है, हम किसी जात पात को लेकर बात नहीं करते, हम हिंदुत्व को बात कर रहे हैं, क्योंकि आज एक साधु मुनि जी का इतनी क्रूरता से हत्या होती तो कहीं ना कहीं हमें भी दुख होता है इस बात का, ये आगे जाकर इस तरह का ना हो, हर एक हिंदू इसके लिए अप्रोच करेंगे, कल जाकर करने वाले में डर पैदा होगा। कहीं इसके पीछे सियासी मुफाद तूने, मतलब कांग्रेस हुकूमत है तो चलो कांग्रेस हुकूमत को कटघरे में खड़ा। मैंने अभी कहा कि हम किसी भी राजनीतिक दल पर हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम बस जिन्होंने ये किया है उसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं, उन्हें ये शिक्षा होना चाहिए। हम किसी भी सरकार के बल पे हिंदुत्व नहीं चलाते, पहली बात रखें, ये मेरे व्यक्तिगत बोल रहा हूँ, बाकी कोई बलता है पता नहीं, मेरा व्यक्तिगत रूप यह है किसी भी सरकार से हिंदुत्व नहीं चलता। आज सरकार बनती है तो लोगों से,
और लोगों से बनती है। इसका मतलब लोगों की रक्षा करना उनका धर्म है। अगर आज एक साधु हो तो भी एक इंसान ही थे, साधु से पहले इंसान ही, इंसानियत पहले होती है उसके बाद सब कुछ। आज इंसानियत मर रही है तो हर एक को देखना जरूरी है, ठीक है। आज हम स्वयं किसी भी धर्म के अंदर अन्याय हो तो हम हर जगह जाने के लिए तैयार है, हम बस एक ही धर्म को लेकर बात। कर्नाटक की आवाम ने तो हुकूमत को बदल दिया। लोग कहते हैं कि भाजपा हिंदुत्व की आलमबरदार है, कांग्रेस नहीं है, तो कांग्रेस को लाने की वजह क्या रही? देखिए, हम यही कहते हैं कि हम किसी पक्ष को लाने वाले नहीं हैं। अगर हमें पूछे कि हमारा पक्ष कौन सा है, हमारा पक्ष हिंदू धर्म है, हम उसी पक्ष को लेकर चलते हैं। हम किसी भी पक्ष, खासकर कांग्रेस आने के बाद हिंदुत्व पर हमला हो रहा है ऐसा भी आवाज़ उठाया जा रहा है। देखो कि कोई आवाज़ उठाया ना उठाई हमें नहीं पता कि कौन किसका आवाज़ उठा रहा है, मगर हमें इतना लगता है कि आज अगर हत्या हुई है तो उसका खंडन करना चाहिए, ये दोबारा ना हो इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार ध्यान दे या ना दे, बट हम साधु संत उसके लिए ज़रूर ध्यान देंगे, हर हम रस्ते पर हमेशा ज़रूर उतरेंगे अगर इस तरह की बात। ये थे हिंदुत्ववादी तंजीमों के आलमबरदार, और यहाँ पर कई सारे हिंदुत्व तंजीमें इसलिए यहाँ जमा हुई थी कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो कत्ल जैन मुनि का जो कत्ल हुआ है इसके पीछे एक साजिश है, और इस साजिश को मंजर आम पर लाया गया। जबकि पुलिस ने कुछ ही घंटों में, सबसे पहले तो बेलगाम पुलिस मुबारकबाद के काबिल है जिन्होंने बहुत जल्दी इस कत्ल का जो है उन्हें तहकीक की और मुजरिमों को जेर बंद किया। लेकिन कुछ तंजीमें, कुछ पार्टियां या कोई और लोग इसे सियासी रंग देने की भी कोशिश कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम करने की भी कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। लिहाजा इसी के पस मंज़र में यहाँ पर हिंदुत्ववादी तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ಮತ್ತೆ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತೇನೆ।